राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि सभी की दृष्टि श्रीनिवास पे होती है और तभी गोविंदराज श्रीनिवास से कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो श्रीनिवास, भार्गवी का क्या होगा? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, गोविंदराज, आज मैं अपने प्रेम को पाने के लिए पद्मावती के प्राण त्यागने नहीं दे सकता। आज प्रेम और कर्तव्य के मध्य में मुझे कर्तव्य का चयन करना ही होगा। और कहते हैं श्रीनिवास गोविंदराज से आगे, बस एक बात स्मरण रखिए, आपने मुझसे कहा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप भार्गवी की सहायता सदैव करेंगे और कोई आपको नहीं रोक सकता। और कहते हैं श्रीनिवास, मेरे लिए उस वचन को साकार कीजिए गोविंदराज। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास विवाह के लिए राजकुमारी पद्मावती के समक्ष जा रहे होते हैं और सभी श्रीनिवास की ओर देख रहे होते हैं और श्रीनिवास विवाह के लिए सज्ज होते हैं। और आगे देखेंगे कि भार्गवी घर पहुंच जाती है और नेत्रों से आंसू निकल रहे होते हैं और श्रीनिवास की बात को स्मरण कर रही होती है। पद्मावती कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है और मुझे अभी जाके उनसे भेंट करनी होगी, यदि मैं अभी नहीं गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा भार्गवी। और तभी भार्गवी की सखियां आ जाती हैं और कहती हैं भार्गवी से, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो भार्गवी? और पूछती हैं सखियां, क्या तुम्हारी भेंट हुई श्रीनिवास से और क्या कहा उसने, कुछ तो बताओ। और फिर भार्गवी सोच रही होती है श्रीनिवास की बात को, हमारा ही विवाह होगा भार्गवी, किंतु इस क्षण मुझे पद्मावती के पास जाना होगा भार्गवी, कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। और फिर भार्गवी अपनी सखियों से कहती हैं, अब कहने और सुनने को कुछ शेष ही नहीं बचा। और कहती हैं भार्गवी अपनी सखियों से, माँ बाबा को ये पत्र दे देना। और तभी सखियां उस पत्र को देखती हैं और चिंतित हो जाती हैं और उस पत्र को ले लेती हैं भार्गवी से और कहती हैं भार्गवी से, तुम्हारा कुछ ही क्षण में विवाह होने वाला है, वहाँ के सारे शगुन आरम्भ करने हैं और ये पत्र तुम्हारे माँ बाबा को देकर कहेंगे क्या, तुम जा कहाँ रही हो भार्गवी? और भार्गवी जा रही होती है और सखियां कहती हैं, भार्गवी कुछ तो बोलो। और भार्गवी स्मरण कर रही होती हैं, अपना पूर्ण जीवन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी श्रीनिवास, किंतु अब लगता है कि हमारे मार्ग कभी एक नहीं होंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास विवाह के लिए सज्ज होते और बैठे हुए होते हैं और तभी महादिशी भृगु महाराज आकाश से कहते हैं, क्या हुआ राजन? और कहते हैं, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आपकी पुत्री के प्राण भी बच गए और आपकी पुत्री का विवाह उससे हो रहा है जिसे वो चाहती है। और भी महाराज आकाश कहते हैं, इन दोनों बातों का सुख है मुझे ऋषिवर, किंतु पता नहीं क्यों हृदय नहीं मान रहा है, हृदय नहीं मान रहा है कि ये श्रीनिवास मेरी पुत्री पद्मावती के लिए श्रेष्ठ वर है। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, मैं आपका संदेह और संघर्ष समझ सकता हूँ राजन, श्रीनिवास स्वयंवर की भरी सभा से राजकुमारी पद्मावती को भगा कर ले गया था। और कहते हैं, किंतु राजन, जिसके पास इतना शक्तिशाली धनुष है और जिस प्रकार उसने उसे चलाया, वो कोई साधारण राजकुमार के बस की बात नहीं थी। और बताते हैं आगे महर्षि भृगु महाराज आकाश को, कभी कभी हमें नर के रूप में नारायण दिख जाते हैं राजन, राजन मुझे लगता है कि श्रीनिवास पद्मावती के लिए श्रेष्ठ वर है। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, तर्क तो आपका उचित है ऋषिवर, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि पद्मावती प्रसन्न रहे, सुखी रहे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये श्रीनिवास मेरी पुत्री पद्मावती को सुखी रख पाए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास को भार्गवी दिख रही होती हैं राजकुमारी पद्मावती की जगह पर विवाह की जयमाला लेकर आते हुए, किंतु राजकुमारी पद्मावती होती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती और श्रीनिवास एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं और तभी श्रीनिवास स्मरण कर रहे होते हैं भार्गवी की बात को। भार्गवी कहती हैं, श्रीनिवास तुम मुझे अपने साथ ले जाओ ना, हम विवाह करके किसी भी गांव में बस जाएंगे। और आगे देखेंगे कि भार्गवी जा रही होती हैं और श्रीनिवास विवाह कर लेते हैं राजकुमारी पद्मावती से। विवाह की सारी रीतियां रस्में मनाई जा रही होती हैं
और तभी महर्षि भृगु स्मरण करते हैं, अंततः मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई। नारायण को पद्मावती के साथ बांधकर मैंने उन्हें सदा के लिए अपनी भार्गवी से दूर कर दिया। अब मेरी भार्गवी मेरी लक्ष्मी कभी मुझसे दूर नहीं हो सकती। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी जा रही होती है वेंकट गिरी से और श्रीनिवास का विवाह हो रहा होता है राजकुमारी पद्मावती से और भार्गवी के नेत्रों से आंसू निकल रहे होते हैं और अत्यंत ही दुखी हो रही होती है भार्गवी और उस स्थान पर पहुंचती है जहां पर वृक्ष में श्री लिखा हुआ होता है और फिर भार्गवी उस वृक्ष के समक्ष जाती है और श्री पे अपना हाथ रखती है और भार्गवी को स्मरण होता है श्रीनिवास कहते हैं, आज श्रीनिवास ने अपनी श्री का हाथ थामा है और ये वचन रहा ये हाथ और ये साथ कभी नहीं छूटेगा। और फिर भार्गवी देखती हैं अपने हाथों में श्रीनिवास के दिए हुए उन कंगनों को और भार्गवी को स्मरण आ रही होती है हर वो छवि जो श्रीनिवास के साथ उन्होंने बिताई होती है। श्रीनिवास ने उन्हें प्रेम से कंगन पहनाए हुए होते हैं और आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमार बासु राजकुमारी पद्मावती और श्रीनिवास का गठबंधन कर रहा होता है और भार्गवी अपने हाथों से उन कंगनों को निकाल के अपने रुपट्टे में बांध लेती हैं। और आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास और राजकुमारी पद्मावती के फेरे आरंभ हो जाते हैं विवाह के और राजकुमारी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न होती हैं श्रीनिवास के साथ विवाह कर रही होती हैं और भार्गवी वेंकट गिरी से जा रही होती हैं और भार्गवी के पैरों में कांटे लग जाते हैं और रक्त निकल रहा होता है और श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती के साथ विवाह के फेरे ले रहे होते हैं और उन कांटों की पीड़ा श्रीनिवास को भी होती है जो भार्गवी के पैरों में लग रहे होते हैं। श्रीनिवास के पैरों से भी रक्त निकल रहा होता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज राजकुमारी पद्मावती और श्रीनिवास का विवाह होते देख अत्यंत पीड़ा में होते हैं और नेत्रों से आंसू निकल रहे होते हैं और देखते हैं श्रीनिवास के पैरों से रक्त निकलता हुआ और कहते हैं ये श्रीनिवास के पैरों से रक्त क्यों निकल रहा है। और फिर महर्षि भृगु कहते हैं आगे विवाह संपन्न हुआ, आज से श्रीनिवास और राजकुमारी पद्मावती पति पत्नी हुए। ये सुन के राजकुमारी पद्मावती अत्यंत ही प्रसन्न हो रही होती हैं और महाराज आकाश और महर्षि भृगु भी अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं और श्रीनिवास अत्यंत ही चिंतित हो रहे होते हैं भार्गवी के लिए और गोविंदराज अत्यंत ही पीड़ा में होते हैं विवाह देखकर और गोविंदराज के नेत्रों से आंसू भी निकल रहे होते हैं और भार्गवी चलती हुई जा रही होती हैं और उनके पैरों की पीड़ा भार्गवी महसूस ही नहीं कर पा रही होती हैं और पीड़ा श्रीनिवास को हो रही होती है और भार्गवी श्रीनिवास को स्मरण कर रही होती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी की माँ भार्गवी के कक्ष में जा रही होती हैं और कक्ष में पहुँचती और देखती हैं भार्गवी को, किंतु भार्गवी कहीं नहीं दिख रही होती हैं और देखती हैं श्रृंगार का सारा सामान और कहती हैं भार्गवी कहाँ चली गई। और तभी भार्गवी की सखियाँ भार्गवी की माँ के समक्ष आती हैं और कहती हैं काकी, और तभी भार्गवी की माँ कहती हैं भार्गवी कहाँ चली गई और उसके श्रृंगार का सामान ऐसे बिखरा हुआ क्यों पड़ा हुआ है। और फिर भार्गवी की सखियां बताती हैं काकी बो आपके और काका के लिए ये पत्र छोड़ा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु महाराज आकाश से कहते हैं बधाई हो राजन, राजकुमारी पद्मावती का विवाह हो गया है, मुंह मीठा कीजिए। और तभी महाराज आकाश अपना मुंह मीठा करते हैं और कहते हैं आगे महर्षि भृगु राजन अब हमें बिना किसी विलम्ब के राजकुमार बासु और भार्गवी का विवाह करा देना चाहिए। और फिर महाराज आकाश कहते हैं अवश्य मैं भी इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि भार्गवी हमारी कुल वधु बने। और कहते हैं ऋषि भृगु महाराज आकाश से चलिए चल के शीघ्र ही विवाह संपन्न करा देते हैं। और तभी भार्गवी की माँ राजमहल आ जाती हैं और ऋषि भृगु के समक्ष जाती हैं और कहती हैं आर्य। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं क्या हुआ अचानक यहाँ, सब कुशल तो है। और तभी भार्गवी की माँ कहती है कुछ भी कुशल नहीं है। और भार्गवी द्वारा दिया गया उस पत्र को देती हैं महर्षि भृगु को और फिर महर्षि भृगु उस पत्र को पढ़ते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि
भार्गवी ने पत्र में लिखा हुआ होता है कि बाबा, मुझे ज्ञात है कि आपने मुझसे सदैव प्रेम किया है। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा भला बुरा आप मुझसे अधिक समझते हैं, किंतु जीवन में हम जिससे प्रेम करते हैं ना, कभी कभी उनकी अधिक चिंता करके उन्हीं के शत्रु बन जाते हैं। और कहती हैं, भार्गवी, मैंने जीवन में सदैव आपकी बात मानी है, किंतु मैं आपका ये निर्णय स्वीकार नहीं कर सकती। मैं बासु से विवाह नहीं कर सकती। आप श्रीनिवास को भले ही अयोग्य और बुरा मानते हैं, किंतु मैंने उसके नेत्रों में अपने लिए प्रेम देखा है और मैं भी उससे अत्यंत प्रेम करती हूँ। और ना ही आपने मेरी भावनाओं को समझा और ना ही श्रीनिवास को उसको अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। मैंने श्रीनिवास को पूर्ण हृदय से प्रेम किया है बाबा, और ऐसा प्रेम मैं किसी भी अन्य पुरुष से करने में असक्षम हूँ। और कहती आगे भार्गवी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे समझने के लिए संसार में आज मेरे पास कोई भी नहीं है। तो ऐसे ही मित्रों, आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।